बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम माजिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल। आज मैं आपके साथ वो तरकीब शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू मैंने अपनी फ़ोन कॉल का ड्यूरेशन अपनी वालदा के साथ बात करते हुए उसको कैसे बढ़ाया है और कैसे उनके साथ मुझे ज़्यादा टाइम मिला है गपशप करने का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बाद में मुझसे गला नहीं करना कि भाई आपकी तरकीब काम नहीं आई। जी तो सबसे पहले अगर आपके वालदैन स्पेशली वालदा हयात हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मेरी दुआ है कि उनका साया आपके सर पर सलामत रहे और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, आमीन। क्योंकि अगर आपकी वालदा का साया आपके सर पर है तो मेरे ख्याल से आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं भाई, ट्रस्ट मी। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जी मैं कनाडा से अपनी वालदा को नॉर्मली दिन में दो बार कॉल करता हूँ। दिल तो करता है और भी ज़्यादा, सारा दिन बात करते हैं उनसे यार, लेकिन दो बार तो डेफिनेटली करते हैं यार। एक सुबह फजर के बाद, एक रात को सोने से पहले, जब मुझे कन्फर्म हो जाए कि वो जाग गए होंगे। नॉर्मली मैं ये कोशिश करता हूँ कि वालदा को तीन टाइम पर कॉल नहीं करूँ। एक जब मुझे कंफर्म है कि उनके नमाज का टाइम है, दूसरा ये जब मुझे फ़ील हो कि उनके आराम का वक्त है, और तीसरा जब मुझे फ़ील हो रहा हो कि वो ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी देख रहे हो भाई। वो क्यों? मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको उस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए अर्तुरुल गाजी की उस किस्त को अच्छी तरह देख लें, समझ लें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मैंने कॉल करना है। मैंने ये लर्न किया कि उम्र के इस हिस्से में जिसमें हम हैं और हमारे वालदैन हैं, उसमें हमें उनसे उनके इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए ताकि उनका दिल खुश हो, उसी में आपकी खुशी है। तो जैसा जनाब मैंने कहा है कि ड्रामे के वक्त मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, पर ड्रामे के फौरन बाद जनाब मैं उनको कॉल कर लेता हूँ ताकि फ्रेश फ्रेश उनकी ज़ुबान से उस किस्त की पूरी स्टोरी सुन लें। और यकीन करें जनाब, जो स्टोरी सुनने का मज़ा माँ की ज़ुबान से है वो शायद ड्रामा देखने से नहीं आता मेरी जान, क्योंकि ये सारी एपिसोड्स मैंने पहले ही देखी हुई हैं। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो मेरे पास टॉक टाइम बढ़ाने का फॉर्मूला भी है इसमें, और मैं अपनी वालदा से उन मिसिंग पोर्शंस पे भी डिस्कस करता हूँ कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो टॉक टाइम और बढ़ गया। हाँ जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि टॉक टाइम जो है वो आप दो दिन पे तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, मंडे एंड ट्यूसडे, पीर और मंगल, क्योंकि उस दिन तो ड्रामा लगता ही नहीं है। जनाब उन दिनों में टॉक टाइम और बढ़ जाता है, परेशान हो गए ना। वो कैसे? वो ऐसे, अरे भाई जो गुजरी हुई एपिसोड्स हैं उस वीक की, उसकी पूरी समरी एक दिन में, दूसरे दिन में नेक्स्ट एपिसोड्स की प्रडिक्शन कि जनाब अब क्या होगा, अब तो वो अर्तुरुल पकड़ा गया है, अब क्या होगा। तो फिर स्टोरी जो है वो माँ के ज़ुबान से सुनने में और मज़ा आता है भाई, बिलीव मी। तो जनाब ये था मेरा फार्मूला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप भी इस फार्मूले पे अमल करके अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अपनी वालदा के साथ थोड़ा सा टॉक टाइम ड्यूरेशन अपनी कॉल का बढ़ा सकते हैं। तो ये था मेरा गुर। एक और चीज़, मेरे वो भाई जो रन मुरीदी की कैटेगरी में है, हाउस हस्बेंड्स, नौकर बीवी के, बीवी के गुलाम, उनके लिए एक ख़ास टिप है भाई। वो टिप ये है, डेफिनेटली आपने अपने पेरेंट्स का नंबर किसी यार दोस्त के नाम पे सेव किया होगा। बेस्ट टाइम कॉल करने का जब आप घर से बाहर हैं, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर करें कि ब्लूटूथ यूज़ करें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो ड्राइविंग के वक्त। और फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट ज़रूर जहन में रखना है, कॉल के बाद उसकी हिस्ट्री कॉल लिस्ट से ज़रूर डिलीट कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर मुझे मैसेज करके नहीं कहना आपने, या मुझे कमेंट्स में नहीं कहना
कि भाई आपकी तरकीब काम नहीं आई। वो तो तरकीब काम कैसे नहीं आएगी, आपने स्टेप्स तो पूरे फॉलो नहीं किए। और एंड में मेरी दुआ है इन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला आपको एतदाल के साथ अपने वालदैन और बीवी बच्चों के दरमियान टाइम गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत दे। और ऐसे भाइयों से मेरी गुजारिश है, बस हिम्मत नहीं आ रही। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।